आप बताइए इंट्रोडक्शन के लिए कहाँ पे रहने वाले आपका पैतृक घर संभाली अनुमंडल पदाधिकारी के तौर पर आप कितने वर्षों से प्रथम इससे पहले कहाँ से बड़ी समाहर्ता करें आपके आपकी शिक्षा दीक्षा के कहाँ से हुई है सर शिक्षा दीक्षा अलग अलग चीज़ों में ये अगर हमारे कुछ गवर्नमेंट के साथ ट्रांसफर होता था वहाँ शिक्षा दीक्षा शिक्षा दीक्षा अंतिम शिक्षा आपकी क्या सर ये जयनगर में आप अनुमंडल पदाधिकारी के तौर पर आए हैं अभी अभी जो पदाधिकारी यहाँ से गए हैं उनके कार्यकाल में एडमिनिस्ट्रेशन चुस्त दुरुस्त रहा है लोगों ने माना है कि ऐसे अनुमंडल पदाधिकारी से पूर्व में नहीं आए तो आपके कार्यकाल में मतलब क्या जनता को क्या उद्देश्य है सर ये आजकल मैं देखता हूँ आजकल तो नहीं पूर्व में देखता आ रहा था कि प्रशासनिक पदाधिकारियों के पास कुछ बिचौलिए लोग अपना वर्चस्व बनाते हैं और अपने मुताबिक उसको मोड़ने की कोशिश करते हैं आप इसको कितनी प्राथमिकता देते हैं उन लोगों को महत्व नहीं देते कोई फरियादी है सर मान लीजिए वो उनको आप तक पहुँचने का अवसर नहीं मिलता है और उनकी कुछ परेशानी है तो फिर आपसे मिलने के लिए उसको अवसर मिलेगा हमने आम आदमी से मिले उसके लिए कोई समय नहीं मिलता जब भी वो मिलना चाहिए पूर्व जो अभी जो राघवेंद्र सिंह जो यहाँ से ट्रांसफर होकर के गए हैं उनसे हमने साक्षात्कार किया था और जानने की कोशिश की थी कि उनके रीजन में प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त कैसे हुआ तो उन्होंने अपनी विशेषता के तौर पर बताया कि मैं आम आदमी से मिलने की कोशिश की मुख्य फोकस उनका भी था हरियादी से आप मिलेंगे सर जनता की समस्या को सुनेंगे सर क्राइम सस्पेंस मीडिया से बात करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और ये सर मेरा है प्रिंट मीडिया ये मैगजीन है ये आपको मैं देता हूँ और ये हमारा लोकल चैनल है सर ये 985 पर चलता है ये डिस्प्ले करूँगा मैं टीवी पर आज दूँगा कि हम लोगों को कि हमारे नए पदाधिकारी के तौर पर आप शुभ नाम क्या बताए थे सर शंकर सरभूमि ओमी क्या कहते हैं सर आपके पास के बारे में सर ओम से ओमी सर कोई कास्ट का कोई टाइप नहीं धन्यवाद मेरा है सर ओमी